लेते हैं, उसके बाद हम लाइट से चेक करके हम दिखाने वाले हैं आपको ये एलिमेंट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये बाल्टी में पानी भरा है, और दोस्तों ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि हमारा एलिमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। चालू हो चुका है, देख लीजिए पानी उबल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस इलेक्ट्रिक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो हीटर होता है ये पानी गर्म करने वाला हीटर है। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, दोस्तों इसमें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इसको हम कैसे चेक करेंगे हमारा हीटर सही है या नहीं सही है। दोस्तों ये कभी कभी करंट भी मारता है, क्यों करंट मारता है दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा हम दोस्तों आपको डिटेल में समझाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम दोस्तों इसको हम चेक कैसे करेंगे, कौन सा मीटर लगेगा, आप अपने घर पर चेक कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसका जो है ये मीटर है, इसको डिजिटल मीटर बोलते हैं। दोस्तों ये 150 के या 160 रुपए में आपको अपने मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद ये देखिए, इसको क्लैंप मीटर बोलते हैं, इससे भी ये चेक हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो इससे चेक होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसको चेक करना सिखाएंगे, तो कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये मीटर है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका जो एरो बना है ये ऑफ वाले पे सेट है, यहाँ पे वोल्टेज चेक होता है। दोस्तों हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट सही है इसका एलिमेंट कि नहीं सही है। तो दोस्तों इधर देखिए मीटर में देखिए, इसका मोड हम कहाँ सेट किए हैं, ये डाइबोर्ड का एरो है, और इधर स्पीक भी होता है, और ये कामन पे सेट कर लीजिए, इसको इसमें डालिए, और ये वोल्टेज ओहम यम ए। तो दोस्तों इसको डालने के बाद ये देखिए, डाइबोर्ड वाले सेक्शन पे जब आप करेंगे तो ये बीप करेगा और इसका रेजिस्टेंस बताएगा इस वायर का, तो इतना बड़ा वायर है दोस्तों, इसका एक बता रहा है। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं इसका कितना बताता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से तार जो निकला है इतना बड़ा ही बचा है, इसको चूहा काट दिया है। तो दोस्तों ये देखिए लाल का, ये लाल वाला वायर है, इसको हम कहाँ चेक करेंगे, हम काले वाले वायर में चेक करेंगे, क्योंकि लाल में फेस दिया जाता है और काले वाले में न्यूट्रल दिया जाता है। दोस्तों हम चेक करते हैं कि काला वायर हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, कैमरा दिखाइए, नज़दीक करिए, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों काला वाला वायर दिख रहा है, इसको हम लगा दिए हैं। देखिए उस तरह ये बीप वाले पे भी कितना बता रहा है, 36 37 38 36 बता रहा है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस 36 बता रहा है, यानी कि सही है। दोस्तों इसको चेक कैसे किया जाता है, ये ड्राइबोर्ड का सेक्शन है और बीप है, इधर भी वही बताएगा ओहम में, यहाँ भी 200 ओहम बताएगा, यहाँ 2000 ओहम बताएगा, यहाँ 20K ओहम बताएगा, यहाँ 200 के मतलब 1000 होता है दोस्तों, यहाँ 2000 के। ये दोस्तों इतना अगर कोई भी ओहम रहेगा तो ये इसमें सेलेक्ट करिए आप, ये दोस्तों एलिमेंट कितना ओहम का है, 36 ओहम का है। तो दोस्तों हमने इधर भी चेक किया और इधर भी चेक करके दिखाता हूँ, 200 पे वही बताएगा दोस्तों। चलिए हम दिखाते हैं फिर से, देखिए 200 पे हमने सेलेक्ट किया, और देखिए मीटर में देखिए 37 ओहम बता रहा है, 36 37 36 37 ऐसे बता रहा है, इसका मतलब ये इसका लीड जो है, एलिमेंट जो है दोस्तों इसका सही है। तो इसमें करना क्या है, एक मीटर दोस्तों और है, ये देखिए, ये दोस्तों हम समरसेबल इसमें चेक करते हैं, इसमें दोस्तों थोड़ा से मीटा हुआ है, यहाँ भी वही डाई बोर्ड वाला स्पीकर है। अब इसमें दोस्तों हम चेक करके दिखाते हैं, इसमें भी ये देखिए वोल्टेज है, और ये बीच में कामन लिखा है, ये कामन लिखा है बीच में, और इधर वोल्टेज ओहम देख लीजिए दोस्तों छपा है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, पहले देखिए दोस्तों एक में करने पर ये होल्ड है, यहाँ होल्ड होता है, ये देखिए ये होल्ड हटा दिया, ये बताने लगा, ठीक है दोस्तों, ये देखिए 0.07 बता रहा है इसका वायर रीडर। इसको हम लाल वाले वायर में चेक करेंगे, और ये देखिए काला वाला वायर यहाँ है, अब इसको हम दिखाते हैं,
ये भी 35, 36 बता रहा है दोस्तों, वही सेम रेटिंग रहेगा। लेकिन जिसके पास ये मीटर है इससे चेक कर सकता है, जिसके पास ये मीटर है इससे चेक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें करना क्या है, इसका एलिमेंट हमारा सही है, इसको यहाँ से काटो और इसका जोड़ जो है आगे पीछे करके जोड़ना है, जैसे हमने समरसेबल वाला वायर आगे पीछे करके जोड़ता हूँ उसी प्रकार इसको भी हम काट के दोस्तों जोड़ के हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए होना चाहिए आपके पास प्लास होना चाहिए और टेप होना चाहिए बस। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, हम इसको काटेंगे पहले, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें खाली एक वायर पकड़ा है, ये काला वाला वायर बचा है और लाल को भी काट दिया है। ये दोस्तों जो नीला वाला वायर है, ये दोस्तों नीला नहीं है, ये हरा माना जाएगा। ये दोस्तों वायर ग्राउंड का होता है, ये बॉडी से टच होता है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि बॉडी वाला ये है या कोई दूसरा है। तो दोस्तों देख लीजिए मीटर को हमने डाईबोर्ड वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर दिया और उसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वाला दोस्तों बॉडी में हम टच करेंगे, ये देखिए मीटर बीप कर रहा है। ये इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आपको इसमें करंट आए तो आपको ये करंट ना मारे, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी जोड़ना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों हम फटाफट इसको हम काट लेंगे प्लास्टिक को, रोक ले चला। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी प्लास्टिक को हम काट लेंगे। आपके पास अगर ब्लेड व्लेट है तो थोड़ा धीरे धीरे मार के आप इसको खाली कर सकते हैं। हम दोस्तों पूरा कैमरा पर दिखा रहे हैं ताकि आपको समस्या का ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये दोस्तों तीनों वायर पकड़िए और एक तरफ इसको खींच लीजिए, ठीक। थोड़ा से और इसको विधिवत बढ़िया जोड़िए, इसको इस प्रकार करिए, ये वायर पकड़िए यहाँ, इसको दोस्तों हम दांत से खींचेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा हम निकाल लिए, इसको हम काट के फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम काट के फेंक देंगे। ये देख लीजिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये काला वाला वायर खाली जुड़ा है और दो वायर कटा है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाल वाला वायर इसको सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसको ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए, इसको भी ऐसे। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको जोड़ा कैसे जाए, इसको आधा आधा कर लीजिए। वायर बहुत मजबूत है दोस्तों, ये 1 mm वायर कम नहीं है 1 mm से। इसको ऐसे जोड़िए, देखिए कैमरा थोड़ा नज़दीक लाइए भाई, ये देख लीजिए कैसे इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे जोड़िए, फिर इसको ऐसे घुमाइए, इसको ऐसे घुमाइए ये। उसके बाद दोस्तों फिर इसको ऐसे घुमाकर इसको आप प्लास से कस दीजिए। ये देखिए दोस्तों आप इसको खींचे नहीं खुलेगा, ठीक दोस्तों। इतना कर लेने के बाद इसको हम, ये हो गया इतना। अब उसके बाद अब हम दोस्तों इसको हम पहले टेप मारेंगे। ये स्टील ग्रिप का टेप है, इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। कैमरा नज़दीक करिए,
इसको बढ़िया से आप टेप करिए। ये दोस्तों देखिए, ये काला वाला हो गया, ये लाल वाला हो गया। अगर इसको भी नहीं जोड़ेंगे तो ये एलिमेंट हमारा दोस्तों बिजली इसको देने पर, इसको लाइट देने पर, सॉकेट में डालने पर ये काम करेगा। लेकिन दोस्तों हम ये करंट वाला भी हम इसको जोड़ लेते हैं ताकि किसी के करंट शॉर्ट या करंट न लगे। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से काटेंगे इस प्रकार से और इसको इतना छोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद इसमें बाकी कुछ करना नहीं है। इसको जो है यहाँ से छोड़ लीजिए। इसका दोस्तों जोड़ हम आगे पीछे कर रहे हैं। ये देखिए, इसको भी ऐसे खोलिए, इसको भी ऐसे आधा आधा कर लीजिए जिस प्रकार से हमने लाल वाला वायर जोड़ा था आधा आधा करके। इसको हम नज़दीक करेंगे ऐसे दोस्तों, देख लीजिए, एक इधर बैठेंगे एक इधर बैठेंगे, ठीक ऐसे हटिए, ऐसे हो गया। फिर इसको घुमाइए ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमाइए। ये दोस्तों खुलने वाला नहीं है और ये जोड़ भी बढ़िया से कस लेता है, यहाँ से करंट लीक नहीं होगा। इसको कुछ इस प्रकार से आप काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बचा क्या है इसमें, इसमें बचा है टेप मारना। इसको दोस्तों हम इधर कर देंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला वायर जो है ये बढ़ा है, इसको इधर करेंगे और ये जो काला वाला बढ़ रहा है इसको हम इधर कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये लाल वाला इधर कर दिए, इसको हम बीच में रखेंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे। तो इसमें भी हम टेप मार लेते हैं फटाफट। दोस्तों ये देखिए, इसको हम इधर कर दिए, ये जोड़ देखिए कहीं भी ये ऊपर नीचे नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लगाएंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे टेप मार देंगे और इधर जो है टेप, इसको भी हम ऐसे मार दे रहे हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये कभी जोड़ खराब नहीं होगा ये। उसके बाद देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ कटा है, ये यहाँ कटा है दोस्तों, यहाँ तो काला वाला वायर कटा है, हरा भी कटा है और लाल भी कटा है। और दोस्तों देखिए, ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हमको लगता है कि सब काटना पड़ेगा, यहाँ से हम सब काट लेंगे पूरा। ये दोस्तों देख लीजिए, हम इसको अलग कर दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम फैलाएंगे, खोलेंगे। दोस्तों स्वयं उसी प्रकार जोड़ना है हमको, आगे पीछे करके इसमें तीनों वायर जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये जॉइंट होगा। आप देखिए, हम पहले इसको हम
काट के दोस्तों आपको दिखा दे रहे हैं, ये लाल वाला है, इसको काटेंगे, इसको यहाँ से छीलेंगे। ये देखिए ये इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये वाला हरा हो गया, इसको हम यहाँ से काटेंगे। दोस्तों एक भी जोड़ आपको नीचे ऊपर मतलब सामने नहीं करना है, कुछ इस प्रकार आगे पीछे करना है। और काला वाला दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ काट लीजिए, यहाँ से इसको हम छील लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये कभी आपका केबल जो है शॉर्ट नहीं करेगा जोड़, और ये मजबूत रहेगा, ये नहीं समझ में आएगा कि इसको हम जोड़ लगाए हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार इस भाग को भी हम सही करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ये जोड़ बहुत ही काम का होता है। दोस्तों वायर भी छोटा हो जा रहा है, बहुत है दोस्तों इतना। अब देखिए इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे। सबसे पहले काला वाला जोड़ेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसको दोस्तों हमको लगता है और छीलना पड़ेगा। चलिए हम दोस्तों चला लेते हैं इसी में, नहीं तो वायर जो है छोटा होता है चला जा रहा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम काला वाला वायर जोड़ेंगे। कैमरामैन भाई थोड़ा सा फोकस करिए, नहीं तो कस्टमर का पैसा भी वापस करना पड़ेगा अगर कैमरामैन फोकस नहीं कर पाएगा तो। इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार सीधा कर लीजिए ठंडे में थोड़ा। ये देखिए काला वाला वायर हम सबसे पहले जोड़ेंगे, ये जोड़ जरूर देखिए। ये इस दोनों वायर को, इस दोनों वायर को अलग कर दिए, इसको हम काले वाले वायर को जोड़ रहे हैं, फिर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए ब्लैक वाला वायर हम सबसे पहले जोड़ेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हम नीचे वाला जोड़ कसे थे उसी प्रकार इसको भी हम जोड़ेंगे। ये देखिए इसको इतना करने के बाद एक इधर घुमाइए, एक इधर घुमाइए, ये ऐसे करिए, फिर उसके बाद इसको ऐसे करिए, ठीक है दोस्तों। और इसको हम फटाफट प्लास से इसको ऐसे कर लिए, इसको हम इधर घुसाएंगे और इसमें दोस्तों हम टेप मारेंगे फटाफट। ये देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार करिए, दोस्तों टेप बढ़िया मार लीजिए ताकि जोड़ खराब ना हो। दोस्तों ये देख लीजिए काला वाला हो गया, काला वाला दोस्तों जोड़ यहाँ पे है। अब इसके बाद हम लाल वाला सीधा जोड़ेंगे, ये हमारा लाल वाला वायर है, इसको दोस्तों हम इधर जोड़ेंगे इस साइड में, इसको हमने छीला ही है खाली। दोस्तों इसको हम छील लें यहाँ से बस, इसको इतना काट दिए, यहाँ से हम इसका प्लास्टिक निकाल देते हैं। इसको भी दोस्तों हम फटाफट से आधा करेंगे, इसको भी हम आधा करेंगे। ये दोस्तों जोड़ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि दोस्तों आप लोग जोड़ें तो वो जोड़ खराब ना हो। कितने लोगों को सही से जोड़ना नहीं आता है, जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो स्किप करके आप जोड़ के वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हमने घुमा लिया एक बार,
इसको हम इधर लॉक करेंगे, फटाफट हम प्लस से ऐड दे रहे हैं। ऐडने के बाद दोस्तों ये देखिए, इसको हम इस प्रकार कर दिए, उस पर हम मार देंगे टेप। वीडियो चालू है दोस्तों, देख लीजिए हमारा जोड़ आगे पीछे है कि नहीं है। अगर आगे पीछे नहीं है तो हमको आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप बढ़िया से देख लीजिए, काला वाला जोड़ है, ये लाल वाला जोड़ है, बहुत आगे पीछे है, इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों इसको हम बाहर कर देंगे, इस वाले वायर को, इसको भी छील लेते हैं, इसको हम रुका यार दोस्तों, इसका जोड़ हम ये इसमें फेस दिया जाता है, इसमें न्यूट्रल दिया जाता है, अब ये अर्थिंग वाला है, इसको हम डायरेक्ट कैसे जोड़ ले रहे हैं ये देखिए, इसको भी हम प्लस से कस दे रहे हैं। ठीक, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम काट ही देते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से बन गया है, ये कहाँ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे ऐड देंगे, इसको हम अलग कर देंगे। दोस्तों इसमें भी हम अच्छी तरह से टेप मार दिए हैं, इसमें हम देखते हैं दोस्तों इसका जुगाड़ अगर लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लाल वाले में दोस्तों हम लगा दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कस के इधर से हम टेप मार देंगे। ये वाला दोस्तों तार देखिए, ये हरा वाला इधर हम प्लास्टिक के इधर रखते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसको हरा थोड़ा बढ़ गया, इस पर हम यहीं पर चढ़ा दिए हैं, और ये टेप भी एंड हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, और इस मीटर को दोस्तों हम बंद करते हैं, ये देखिए अभी मीटर चल रहा है, इसको हम बंद कर देंगे, और इस वाले मीटर को भी हम बंद कर देंगे, ये आप हो गया दोनों मीटर। अब हम दोस्तों इसको हम ले चलते हैं, चेक करते हैं लाइट में पानी भरकर, देख लीजिए आप लोग दोस्तों सही जोड़ा गया है या नहीं सही जोड़ा गया है। चलिए चलिए दोस्तों, हम फटाफट इसमें पानी भर लेते हैं, बाल्टी में चेहरा पानी भर लेते हैं, उसके बाद हम लाइट से चेक करके हम दिखाने वाले हैं आपको ये एलिमेंट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाल्टी दोस्तों भर चुकी है, अब इसको हम ले चलते हैं चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये बाल्टी में पानी भरा है, और इसको हम इस प्रकार से, ये देखिए ये फंसाने वाला होता है, इसमें इस प्रकार फंसा दीजिए, और बाल्टी भरी होनी चाहिए। और दोस्तों वायर देखिए,
यहाँ पहुँच गया है। इसका बोर्ड दोस्तों ऑटोमेटिक है, हम नहीं दोस्तों इस स्विच से है, ये चालू हो चुका है। इधर भी बटन स्विच कर दिए, ये भी कोई ना कोई दोस्तों होगा। और दोस्तों कैमरामैन लाइए, हम दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी में क्या आपको बारीक से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दोस्तों ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि हमारे एलिमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। चालू हो चुका है, देख लीजिए पानी उबल रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हीटर सही हो चुका है, देख सकते हैं पानी उबल रहा है गर्म होके। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा जोड़ था दो, और ये देखिए प्लग हमने इसमें लगा दिया है। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों हैंडपम्प समरसेबल, कोई भी आपको समस्या हो रही है बोरिंग कराना है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, और जो वीडियो उपलब्ध है आप जाके देखिए। ये देखिए दोस्तों हैंडपम्प में मोटर लगी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।